अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चना चाट। बहुत इजी रेसिपी है इसकी, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में हैं ये चने, ये रात को हमने भिगो दिए थे, सुबह फिर हमने इनको गलाया। और याद रहे ये जो इनका पानी है ये इनके अंदर थोड़ा सा ज़रूरी है कि होना चाहिए। और ये आलू बॉयल किए हमने, ये जो पापड़ी डालते हैं ये भी हमने घर पे ही बनाई है। ये है प्याज है 2 अदद, और हरा धनिया, हरी मिर्च है, नमक है, इमली का पल्प है, और 2 लेमन का जूस है, और कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, और 2 अदद टमाटर कटे हुए हैं। ये सब इसके अंदर जाएगा। तो सबसे पहले ये चनों को हमने किसी खुले बर्तन में डाल लेना है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे, और आलू के बाद ये प्याज डाल देंगे। और ये टमाटर, आधे आधे टमाटर डालेंगे, और लेमन नहीं, ये इमली का जो है पल्प हमने निकाला है ये डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको पहले। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे सारे हम अपने स्पाइसेस। ये चाट मसाला है, लेमन जूस डाला है हमने, ये नमक डाला है, ये कुटी लाल मिर्च, ये जाएगा हमारा ये चाट मसाला है। ये डाल के अब अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, अगर ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो मज़ीद भी आप डाल सकते हैं, या कम या ज़्यादा, जैसा आपको पसंद हो वैसा डाल सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हमने। ये देखिए हमने ये सर्विंग बाउल में डाल दी है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ये पहले पहले हम इसमें यूँ प्याज डालते जाएंगे। प्याज डालने के बाद हम ये टमाटर डाल देंगे। टमाटर ये, और उसके बाद ये हरा धनिया और हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, ये डाल देंगे। इसके बाद ये जो हमने पापड़ी बनाई है ये डाल देंगे। बारीक बारीक करके इसको आप डालते जाएं। ये बहुत इजी बनती है घर में, इसकी रेसिपी मैं आपको फिर दूँगी। ये बहुत इजी बनती है, और इसके बग़ैर जो चाट वो नामुकम्मल ही होती है। इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है, क्रिस्पी क्रंची सा टेस्ट आता है। और अब ये थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला डाल देंगे, ये स्प्रिंकल कर देंगे। अब आप दही डालें या केचप डालें वो आपकी मर्ज़ी है। हम ये हमारे पास थोड़ी सी हरी चटनी है ये डालेंगे हम इसके ऊपर। ये ग्रीन सॉस थोड़ा सा, बस ये डाल देंगे। ये आपने मुझे ट्राई करके ज़रूर बतानी है कैसी लगी आपको, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।